हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनपीके के बारे में बता रही हूँ। ये है एनपीके। देखिए, ये ग्रैनुअल्स फॉर्म में है और ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। और ये हमारे प्लांट को आज मैं देने का तरीका आपको बताऊंगी कि कब इसको देना चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए और क्यों देना चाहिए। तो इन तीनों बातों को मैं बताऊंगी आज। तो देखिए, हमको जब हमने ये देखिए सीडलिंग की है, ये देखिए आइस प्लांट की मैंने आपको दिखाई थी ना, और फ्लॉक्स की मैंने देखिए आपको कल सैपलिंग्स लगाना बताया है वीडियो में। और उससे पहले कैलेंडुला, ये देखिए अच्छे से सब बढ़ रहे हैं। और ये है फ्लॉक्स के फ्लावर और ये कैंडी टफ, इनको मैंने पहले लगाया था। तो फ्रेंड्स, हर एक की रिपोर्टिंग दिखाना संभव नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा सीडलिंग मैंने की है और प्लांट्स को तो सबके लिए टाइम नहीं मिलता है। और कुछ को मैं दिखाऊंगी और कुछ लगाने के बाद आपको दिखा पाऊंगी। तो ये देखिए, तो ये जो प्लांट्स हमने लगाए तो अब ये रिपोर्टिंग के लिए लगभग रेडी है। तो जो जो मुझे टाइम जैसे जैसे मिलता जा रहा है मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ। तो लेकिन एनपीके तब देना चाहिए जब देखिए हमारी ये छोटी छोटी बेबी प्लांट है ना, इनको डेवलप होने के लिए अब इनको कोई न्यूट्रिशन खाद वगैरह चाहिए। बिना फर्टिलाइज़र ये बहुत स्लोली बढ़ेंगे और फिर इनका सीज़न भी निकल जाएगा। देखिए, हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक का यूज़ करके हम समय पर फ्लावरिंग नहीं पा सकते। तो कभी कभी तो इस तरह से थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना बनता है, क्योंकि अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिक होता है खाद, तो ये धीरे धीरे यूज़ मतलब अपना असर करती है और केमिकल खाद थोड़ा फास्ट हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सीज़न विंटर का रहते रहते इनमें अच्छी सी फ्लावरिंग भी मिल जाए हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा तो हमें केमिकल खाद का भी यूज़ करना चाहिए। तो अच्छा ये होता है कि थोड़ा बहुत हमें केमिकल का और थोड़ा बहुत कभी कभी ऑर्गेनिक का और केमिकल दोनों मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। ना ही कभी साथ आपको सिर्फ ऑर्गेनिक का यूज़ करना चाहिए और ना ही सिर्फ आपको केमिकल का यूज़ करना चाहिए, दोनों मिलाकर ही सही रहता है। तो इसलिए मैं आपको कभी कभी थोड़ा बहुत दिखाती रहती हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो एनपीके एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है जो हमारे बेबी प्लांट्स को रूट्स डेवलप करने में, न्यू ग्रोथ करने में और जल्दी फ्लावरिंग पर लाने में मदद करेगा। और इससे अगर आपके फल और सब्जी के प्लांट हैं तो उससे फल वगैरह भी जल्दी आते हैं। और यहाँ पर ये हमारा देखिए लगा हुआ है, ये डेलिया की सैपलिंग्स हैं फ्रेंड्स, ये भी मैंने सीड से लगाए हैं। तो इन सब को आज मैं एनपीके देने का आपको तरीका दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एनपीके, तो इसको इस तरह से एक चम्मच मैंने लिया हुआ है और ये आधे लीटर पानी में मैंने इसको एक दिन के लिए इसमें डालकर रख दिया है और ये अब पूरी तरह से घुल गया है। डीएपी फ्रेंड्स नहीं घुलता है, मगर ये आराम से घुल जाता है एक दिन में। आप दो दिन भी रख सकते हो, अगर नहीं घुल रहा है तो आप दो दिन रख दीजिए और उसके बाद आपको ये वाला वाटर मिल जाएगा। और इसी को हम लेंगे, एक लीटर पानी लेंगे और इसमें मिला लेंगे इस तरह से। देखिए, देने को हम लोग ऐसे भी दे सकते थे कि पूरा इस तरह ग्रैनुअल्स में दे सकते हैं, लेकिन ये प्लांट बहुत छोटे हैं और अगर हम चाहते हैं फास्ट इसका रिज़ल्ट हमें मिले तो हमें इस तरह देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमें फास्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ जल्दी असर ज़्यादा करती। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को दे देंगे तो एनपीके देने के बाद इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इनमें फ्लावरिंग वगैरह भी फास्ट आएगी। देखिए, आजकल विंटर है और इवनिंग टाइम पर ही प्लांट दीजिएगा, कभी भी धूप में आप कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। तो आप जब भी देंगे तो इनकी रूट्स में इस तरह दीजिए और इनको आप रूट्स के ऊपर ना दीजिए, इस तरह से देंगे। पत्तियों पर मतलब मत गिराइएगा, प्लांट हमारे गीले नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर जल्दी सूखता नहीं है पानी। आजकल विंटर है तो पानी सूखने में बहुत टाइम लगता है और मिट्टी भी इतना पानी सोख नहीं करती है और हमारे प्लांट जो हैं गीले रहेंगे तो फंगस का डर हो जाएगा। देखिए, ऑर्गेनिक में हम देने को तो बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है, सरसों का मैंने दिखाया है आपको, वो दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी फंगस का डर होता है क्योंकि इतनी धूप नहीं आ रही है, तो वो देने से ये नन्हे प्लांट्स हैं इनमें फंगस का डर है, इसलिए वो हम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं। ऑर्गेनिक तो बेस्ट होता ही है, उसको तो हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एनपीके भी बहुत अच्छा है और कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ इतना बुरा भी नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो एनपीके देने का यही फ़ायदा कि आपका अब ये प्लांट्स जो हैं वो जल्दी फ्लावरिंग पर आएंगे और फ्रूटिंग के हैं, फ्रूट या सब्जियों के, तो उसमें भी आप दे सकते हो, बस धूप में मत दीजिएगा, इवनिंग टाइम पर दीजिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आपने देखा, इस तरह से हमने दे दिए हैं और अब ये कैसे ग्रोथ करेंगे वो मैं समय समय पर आपको दिखाती रहूँगी। और मैंने आपको आइस प्लांट में मैंने दिया यहाँ गलार्डिया और ये कैलेंडुला, फ्लॉक्स,
ये हैं कैंडी टफ के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, और ये डेलिया, इन सब में मैंने दे दिया है। और ये सारी सैपलिंग्स हमारी खूब अच्छे से ग्रो करेंगी, और इनको बड़े प्लांट पे भी आप दे सकते हो, एनपीके को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको सैपलिंग्स के लिए दिखाया, जो मैंने रिपोर्टिंग की है उनको देकर दिखाया है कि उनकी रूट्स आप थोड़ा फास्ट बनेंगी और प्लांट हमारे जल्दी मैच्योर होंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मैंने एनपीके के बारे में काफ़ी आपको बता दिया है, और जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी सैपलिंग्स अच्छे से बड़ी हो रही हैं, और जब फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, और बाकी इनकी मदद तो करनी ही है हमें रूट्स वगैरह डेवलप करने में। तो एनपीके अब इनकी अच्छे से रूट बनाएगा और जल्दी इनको बड़ा करने में भी मदद करेगा, हमारे प्लांट जो होते हैं वो अच्छे से मजबूत भी हो जाएंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लव लाइक गार्डन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।